हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फर्स्ट एपीआई पाइथन वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो आज यार हम लोग का लेशन नंबर 18, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेलेक्टिव क्वेरी बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने फर्स्ट एपीआई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, फर्स्ट एपीआई फ्रेमवर्क को मैं ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। तो सॉल्यूशन कोड करके इसको बेसिकली ओपन करूँगा मैं वीएस कोड के अंदर। एंड ओपन करने के बाद पिछले वीडियो तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे हम लोग बेसिकली इसमें क्वेरी बेसिकली कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक डेटा और फिर मेरी डेटा भी। तो यहाँ पे अगर मैं अपना बेसिकली MongoDB ओपन करूँ, तो यहाँ पे मेरा MongoDB ओपन हो गया है। मैं सिंपली अपने लोकल होस्ट पे कनेक्शन करूँगा। यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस था वो पर्सन था, एंड कलेक्शन जो था वो एम्प्लॉय था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो त्रिभुवन शर्मा के नाम से है वो मेरे पास दो, यहाँ पे दो फील्ड मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सिर्फ ये चाहता हूँ ना, मैं मतलब अपने प्रोग्राम में ये करना चाहता हूँ कि मुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुवन शर्मा वाले ही। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ त्रिभुवन शर्मा वाले ही मतलब की चाहिए, मतलब नॉट की, आप बोल सकते हैं कि सिर्फ त्रिभुवन शर्मा वाले ही जो डेटा है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो मेरा कलेक्शन है उसके अंदर ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो हमारा डेटा है, डेटा इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन, एंड फाइंड वन करने के बाद हम लोग इसके अंदर क्या दे सकते हैं, फिल्टर फिल्टर आर्गूमेंट दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिल्टर आर्गूमेंट दिया गया है। एंड पैरामीटर में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है डिक्शनरी स्पेसिफाइंग द क्वेरी टू बी परफॉर्म और अदर टाइप टू बी यूज एज अ वैल्यू ऑफ क्वेरी फॉर अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पे एक डिक्शनरी को प्रोवाइड कर सकते हो और डिक्शनरी में आप लोग सिंपली की और वैल्यू में दे सकते हो कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो जिसका भी नेम त्रिभुवन शर्मा है वो मुझे देखने को मिले। ठीक है, और मैं प्रिंट कर दूंगा, किसको मैं प्रिंट कर दूंगा, डेटा को। और डेटा को प्रिंट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे मैं फिर से अपना फास्ट एपीआई वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करूंगा। ओके, सिंपली रन कर, तो मैं देख सकते हो मेरा फास्ट एपीआई वाला प्रोजेक्ट रन हो चुका है। एंड रन होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या है कि मेरा जो मेरा जो बेसिकली डेटा है मुझे देखने को यहाँ पे मिल गया है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो जिसमें नेम क्या है त्रिभुवन है मुझे वो देखने को मिले। एंड आप लोग देख सकते हो जिसमें नेम क्या है त्रिभुवन है मुझे सिंपली वही देखने को मिला है। अगर मैं बोलूं यार कि जिसमें चैनल जो है जिसमें चैनल कोड विद त्रिभुवन, सिक्स टू जीरो थ्री है, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पे एक बेसिकली डेटा मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन 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 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यार हर एक का चैनल तो कोड भी 3163 है, तो ये सब क्यों नहीं आ रहा है। अब बोल सकते हो यार कि ये सब क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे हर एक का चैनल क्या है त्रिभुवन बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर पाऊँ तो ठीक है। ओके, ऐसा बंद कर लूँ, चलो ऐसे पर्सन एम्प्लॉय एंड सिस्टम बंद करा देंगे। एंड इसको थोड़ा सा और मैं जूम करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि जो मेरा चैनल है, ज़्यादा जूम कर दिया, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा चैनल है वो हर एक में 6203792028 ही है, हर एक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक में जब त्रिभुवन 6203 ही है तो यहाँ पे मेरा जो है वो सिर्फ एक ही डेटा क्यों आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो उसका आंसर ये है भाई कि आपने आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे फाइंड वन का यूज करा। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा सिर्फ एक डेटा ना आए, बहुत सारे डेटा आए, मतलब जितना भी डेटा आपके अंदर है, मतलब आपके डेटाबेस के अंदर वो सारी डेटा है। अब जब आप ये करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, एक कर्सर ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे यार ये तो कर्सर ऑब्जेक्ट मुझे देखने को मिल गया,
ये मेरा डेटा तो है ही नहीं, वो तो अलग ही फॉर्मेट में यार। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपली जो डेटा है उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आइट्रेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोर आइटम इन डेटा, ठीक है, जो आइटम हमारे डेटा के पास है। और ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे फिर लिखूंगा कि प्रिंट करो किसको, आइटम। और ये करने के बाद मैं सिंपली फिर से ओपन करूंगा, और इतना करते ही मुझे सारा का सारा फील्ड देखने को मिल गया जहाँ पे चैनल का नाम पोडवी थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यार सिलेक्टिव बेसिकली आप लोग क्वेरी कर सकते हो फास्ट एपीआई के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और जो फास्ट एपीआई का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर लेना अपने चैनल कोडवी थ्रू 603 से, और आप लोग स्टार्टिंग से देखना ताकि अवरुचि समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।